तेरे पंडितों ब्राह्मणों के साथ विद्वानों के साथ यहाँ श्याम मंदिर में जो दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। ये जो मंदिर है आप यहाँ पे जो पीछे देख पा रहे हैं, इन मंदिर में पुनर् जो है मूर्ति स्थापना की जा रही है। ये जो प्रतिष्ठा हुई थी तो ये थोड़ी कोई कारणवश से नीचे रह गई, तो इसका दोबारा हमने जीर्णोद्धार करवाया है। तो मनोकामना पूर्ण करे बोले श्याम प्यारे की। खाटू श्याम जी मंदिर में एक अहम खास कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है जो कि 4 दिवसीय कार्यक्रम है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश सबश्रर, आप इस समय देख रहे हैं लाइव SSSN न्यूज। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें खाटू श्याम जी मंदिर बीकानेर से देख पा रहे हैं। बीकानेर के अंदर 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है खाटू श्याम जी मंदिर के अंदर, जिसके अंदर शिव जी तथा हनुमान जी मंदिर की जो है मूर्ति स्थापना यहाँ पे की जाने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा उनमें की जाएगी। पहले भी मंदिर थे लेकिन अब उनको ऊंचाई पे लेके जो है दोबारा से बनाए गए, इस कारण से उनमें प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से की जाएगी तथा मूर्ति स्थापना भी की जाएगी। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, साथ में कीर्तन और उसी के साथ में जो है यज्ञ भी होगा सुबह के समय, और उसके बाद में जो है एक यात्रा भी निकाली जाएगी। और आज जो है यहाँ पर 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, कल पहला दिवस था, आज दूसरा दिवस है कार्यक्रम का। देखिए इस समय कार्यक्रम का समापन हो चुका है, वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था और जिन पंडित जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया है वे इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं पंडित प्रकाश तिवाड़ी नापासर से जी, यहाँ बीकानेर के समीप ही 27 किलोमीटर है नापासर, जिससे सबको अवगत है, आप अवगत है जी। और 13 पंडितों ब्राह्मणों के साथ विद्वानों के साथ यहाँ श्याम मंदिर में जो दिव्य अनुष्ठान चल रहा है वहाँ पर हम लोग पधारे हैं। यादव जी हैं और इनकी टीम है, बहुत बड़ा दिव्य आयोजन करवा रही है। जैसा कि आप सबको विदित है, बीकानेर शहर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे श्याम बाबा का विशाल मंदिर बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य भी प्रगति पे है। अभी चूँकि शिव परिवार हनुमान जी के मंदिर थोड़े नीचे थे, उनका पुनर्स्थापना यानी रिनोवेशन करके हम उसको ऊपर ला के लाए हैं, जिसका एलिवेशन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो रहा है अभी, और इसका मंदिर का काफ़ी विस्तार किया जा रहा है। अभी तक श्याम मंदिर के पास में एक चल शीश नहीं था, जैसे कहीं कीर्तन होते थे आसपास एरिया में, तो हमारे पास चल शीश नहीं था, जो इस बार ला रहे हैं हम, तो ये हमारे लिए मंदिर के लिए बहुत बड़ी गर्व का विषय है। बोलो सच्चे दरबारे की जय। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि कितनी सारी महिलाएं भी आज इस कार्यक्रम में आ रही है, तो आज आपको यहाँ पे बाबा के कीर्तन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है बाबा के कीर्तन में आकर के। बोलो श्री खाटू श्याम बाबा की जय। इस महोत्सव में आकर के हम अपने आप को बहुत बहुत धन्य समझ रहे हैं। आज मेरे पतिदेव का जन्मदिवस है और इस शुभ अवसर पर हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत आनंद है, हम तो श्याम बाबा जी की छाया में ही रहते हैं, पीछे श्याम बाबा की बहुत कृपा है, बहुत परिचय देते हैं। मंदिर बनने वाला है जी, इसे उसकी सहयोग अपेक्षित है, जितना सहयोग कर सकती है जनता उतना करें, बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो मंदिर है आप यहाँ पे जो पीछे देख पा रहे हैं, इन मंदिर में पुनर् जो है मूर्ति स्थापना की जा रही है। पहले ये मंदिर जो है नीचे थे लेकिन अब इनको दोबारा से ऊपर करके इनके अंदर जो है मूर्ति स्थापना पुनर् की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है बाबा श्याम की जो प्रतिमा है वह स्थापित है,
खाटू श्याम जी मंदिर बीकानेर से हमने आपको काफी बार अवगत करा दिया है, तो आप यहाँ पर जो है देख पा रहे कितने भव्य तरीके से इस दरबार को आज सजाया गया है। और ये कार्यक्रम जो है 8 जून से 12 जून 2022 तक जो है चलने वाला है, जो रात्रि को है 8 से 9 बजे तक रोज कीर्तन होता है। इसके अलावा 11/2022 एकादशी शनिवार को 4 बजे सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा और मूर्ति स्थापना शास्त्रोक्त विधान समय दोपहर 12:15 पर जो है मुहूर्त होगा। उसके बाद में इस तरीके से ये कार्यक्रम है जिसका आप यहाँ पे सब देख पा रहे हैं। और आप थोड़ा सा बताइए कि ये जो 4 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे मंदिर में रखा गया, मंदिर प्रांगण में, इसका क्या कुछ अहम खास महत्व है? मूर्ति स्थापना, ये मंदिर पहले प्राचीन थोड़े कुछ समय पहले बने, नीचे रह गए, तो नीचे होने के कारण से पूरे मंदिर के अंदर एक अच्छा रूप आ नहीं रहा था, इसलिए इन मूर्तियों का पुनर्स्थापना की गई है। इसमें पुनर्स्थापना के अंदर इनको कई दिन जो भी संस्कार मूर्तियों के होने थे वो सारे संस्कारों के लिए ये प्रोग्राम है। विद्वान ब्राह्मण और महाराज प्रकाश जी जो भागवत आचार्य नापसर से रहने वाले, इनके सानिध्य के अंदर और भी कई बीकानेर में अच्छे विद्वानों से सलाह करने के बाद में ये सारा कार्यक्रम यहाँ तय किया गया, जिसमें इसकी मूर्ति पूजा संस्कार जो भी विधिवत है, मंत्र उपचार, गायत्री मंत्र, चंडी पाठ, सप्तशती पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, ये सारे तरह के पाठ, और फिर श्याम बाबा का कार्यक्रम है, सुंदरकांड का आयोजन है, कीर्तन और भंडारा, ये सारा कार्यक्रम 8 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आयोजन किया गया है। और इसी कार्यक्रम के तहत ही सभी लोगों को, बाहर के भी लोगों को बताया जा रहा है, अभी बीकानेर के अंदर बाबा का एक अच्छा अनूठा धाम बनने जा रहा है, कुछ काम बाकी हैं, इस कार्यक्रम के बाद में ये काम वापस जो अंदर का दिख रहा है, इसका POP फॉल सीलिंग है, मंदिर का सारा निर्माण काम इसका इसके कार्यक्रम के बाद वापस चालू रहेगा। हम आशा करते हैं जल्दी जल्दी सभी दानदाताओं, सभी श्याम प्रेमियों, भक्तजनों के प्रेरणा से, उनकी सलाह से ये काम आगे बढ़े और अच्छा मंदिर का स्वरूप ले, जिससे कि सब भक्तों को बाबा का दर्शन का लाभ मिल सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मंदिर जो है निर्माणाधीन है, इसके अंदर आप ही अपना सहयोग दे सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से इस कार्यक्रम के लिए मंदिर की जो है सजावट की गई है, काफ़ी भव्य तरीके से इस दरबार को आज जो है सजाया गया है। श्याम बाबा जो है वह किस तरीके से बैठे हैं, यहाँ पे पुजारी जी भी सामने मौजूद है जो इस कार्य को आज संभाल रहे हैं। नमस्कार पुजारी जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, आपके चैनल से सबको जय श्री श्याम जी। तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा जी। तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। बताने की ये हमारे श्री श्याम मंदिर बीकानेर में जो ये शिव दरबार और राम दरबार पहले जो प्रतिष्ठा हुई थी, तो ये थोड़ी कोई कारणवश नीचे रह गए, तो इसका दोबारा हमने जीर्णोद्धार करवाया है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है, मंत्रों उच्चारण से 11 ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और सभी यहाँ धूमधाम से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और सभी को जय श्री श्याम। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी के मंदिर का जो है पुनर्स्थापना इस जगह की जाएगी और शिव जी का जो मंदिर है उसकी पुनर्स्थापना इस जगह की जाएगी और इस तरीके से आज जो है बड़ी ही सुंदर तरीके से जो है दरबार सजाया गया है। अगर आप श्याम बाबा के निर्माणाधीन मंदिर में अपना सहयोग करना चाहते हैं, आप भी दान करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्वयं आके दान कर सकते हैं, रसीद भी ले सकते हैं, उसके अलावा आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर जो है एक QR कोड भी दिया गया है जिससे आप स्कैन करके अपना दान मंदिर कमेटी को भेज सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जो है मार्बल फॉल सीलिंग, POP पुट्टी, लाइटिंग, AC, कोल्ड वाटर एवं लिफ्ट की सुविधा के लिए अपना दान कर सकते हैं, जिसके लिए 1 फुट की लागत जो है 1,000 रुपये आएगी और कुल लागत जो है इसकी 70 लाख रुपये है। तो उसके लिए आप 1,000 रुपये का सहयोग भी अपना कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो है बैंक खाता नंबर दिए गए हैं जो कि श्री श्याम बाल संकीर्तन मंडल समिति बीकानेर का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है 3004297 2134 और IFSC कोड जो है SBIN
000341 इस पे आप अपना दान दे सकते हैं। ये अस्थाई गेट बनाया गया है, इसके अंदर अभी आप देख पा रहे हैं वहाँ पर जो है कीर्तन चल रहा है, साथ में यहाँ पर सामने बाबा की जो है मंदिर कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी किस प्रकार से जो है मंदिर दिख रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीकानेर में हमारे श्याम मंदिर का, श्याम प्रभु का मंदिर बन रहा है, और सब भक्तों को ऐसे ही मन में आशा जगती रहे और मंदिर का काम निरंतर चलता रहे। सब भक्तों के मन में बाबा आस लगाए रखे, सबको मनो इच्छा पूर्ण करे, मनोकामना पूर्ण करे। बोलो श्याम प्यारे की, लखता तार की जय हो, हरे के सारे की जय हो। बोलो मेरा नाम क्या? मैं काशीनाथ जोशी, पुलिस सेवा से रिटायर हूँ। ये श्याम बाबा की जब ज़मीन खरीदी थी उससे पहले से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इसमें श्री जगन्नाथ जी जिंदल का बहुत सहयोग रहा। बाबे ने उनको सपनों में बताया कि ये ज़मीन यहाँ मिलेगी और इस मालिक के पास में जाओ। हम वहाँ गए और उन्होंने 125,000 रुपये में ज़मीन हमें देने के लिए तैयार हो गए। हमारे पास पैसे नहीं थे, 3,00,000 रुपये थे, एडवांस दे दिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बोला जो है कूपन छपा करके डोर टू डोर जा करके 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा ली, और ये आज इस स्थिति पर आ गया मंदिर। और इसमें बहुत उन्नति हो रही है, बहुत पैसे आ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, और बाबे श्याम की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री श्याम। तो आपने देखा किस प्रकार से आज बाबा के दरबार में भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही।